Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Franklin, welcome back to another gameplay video of GTA 5. In the last episode, you will have seen the Indian Lion vs Pakistan Panther fight was a very dangerous fight. And when the guys, wo Pakistan tourist hamare paas yahan par aaya hua hai Los Santos mein, उन्हें भाई जो है फ्रैंकलिन का घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है, तो उसी के चलते गाइज अभी जो है यहाँ पर जो है फिर से हमारी जो है काफ़ी तगड़ी यहाँ पर फिर से लड़ाई हो चुकी है और इस बार किसी और डॉग से टेस्ट होने वाला है। तो फिलहाल अभी मैं माउंट चिलियर्ट पहुँच गया हूँ और माउंट चिलियर्ट के बाद ही दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर ऑन किया है और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइज हमारे पास रेड कलर की बुकाटी एडर है। ठीक है, तो जल्दी से गाइज इस कार को मैं चढ़ा लेता हूँ सीधा माउंट चिलियर्ट की माउंटेन पर और डायरेक्ट आप लोगों को रैंप पर मिलता हूँ जहाँ पर दोस्तों हमें न्यू चैलेंज मिला है और इस चैलेंज को बनाया है लेस्टर ने। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, थोड़ा दिन और रुक जाओ बस, फिर तो उसके बाद से लॉन्ग वीडियोज़ आने वाली हैं और ये फिर एक्सपेरिमेंटल वीडियो सारी की सारी एंड हो जाएंगी और आप लोगों को जो देखना वो आप लोग डेफिनेट देखने को मिलने वाला है। GTA 6 के कुछ रिलीजेस देखने को मिले हैं, लीक्स देखने को मिले हैं, बोला गया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 टू 2023 तक देखने को मिल सकती है GTA 6। अगर जैसे गाइस GTA 6 आ जाती है तो फिर भाई GTA 6 के भी गेम प्लेस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर मैं बुक वगैरह कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सामने की तरफ में आप लोग देखो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रैंप है, वहीं पर दोस्तों हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि लॉस सैंटोस में आए हुए थे और लगातार हमसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी पर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से गाइस अभी मैं जो ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं, इनको जल्दी से हटा के सीधा ऊपर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लेस्टर ने कैसे ना कैसे करके इसे मेंटेन किया है, कैसे ना कैसे करके कैसे बनवाया हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जल्दी से गाइस अभी यहाँ पर हाई जंप वगैरह लॉन्ग जंप वगैरह ले लेके सीधा डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, हम अपनी बुकाटी एडर को वहीं पर खड़ी कर दी है हम लोगों ने और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आते ही गाइस हमें जो है नीचे की तरफ में चार कार देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आप लोग भी अपने सजेशन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब जैसे ये रैंप वगैरह के स्टाइल्स वगैरह जो मैं दिमाग लगा देता हूँ तो आप लोग भी ज़रूर से अपना दिमाग लगा के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो गाइज ये रहे भाई अपने पाकिस्तानी भाई जो है हमारे लॉस सैंटोस में आए हुए हैं, डांस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, पता नहीं किस बात की इनकी खुशी हो रही है कि भाई वो आज लगता है जीतने वाले हैं। कार तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है इनके पास में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे कार यहाँ पर देख के इनकी। ये रहा इनका गाइज रॉटविलर और हमारे पास है हमारा पिटबुल और उसी के साथ साथ हमारे पास भी कुछ लग्जरी कार कम नहीं है और ये रहा गाइस लेस्टर जो कि ऊपर से काफ़ी तगड़े सीन देख रहा है। ठीक है, तो गाइस चैलेंज कुछ ऐसा होगा, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये सबसे नीचे यहाँ पर है, तो गाइस देखो चढ़ने का चैलेंज अलग होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके पास कितना ज़्यादा दिमाग है। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड टेस्ट होने वाला है और यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर तो कुत्ते जो है पहुँच नहीं पाएंगे जो हमारे डॉग्स हैं, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इनका जो है चैलेंज स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमारा जो रॉटविलर है जो कि पाकिस्तान रॉटविलर है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्पीड से नीचे उतर रहा है, ग्रिप टेस्ट होने वाली है यहाँ पर जिसमें दोस्तों ये लोग बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे हैं, जो सबसे पहले नीचे पहुँचेगा वो जीत जाएगा। जो फ्रैंकलिन का दोस्तों आप लोग पिटबुल देख पा रहे हो बिल्कुल डर रहा है, बहुत ही तगड़ी ग्रिप बना के चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, अब इसे दिमाग कह लो या पता नहीं क्या कह लो, या लगता है गाइस जो हमारा इंडियन पिटबुल है वो लगता है थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहा है कि अभी हम लोग जो है स्ट्रैटेजी बना के कि भाई अभी हम लोग जो है धीरे चलते हैं, फिर जब समझ में आने लग जाएगा मुझे तो मैं एकदम से रनिंग कर लूँगा यहाँ पर रैम्प में। तो गाइस काफ़ी तगड़ा ये बड़ा सा रैम्प है और यहाँ पर अगर जो फंसा वो नीचे आके काफ़ी तगड़ा गिर जाएगा और स्ट्रॉन्गेस्ट भी कौन है, ग्रिप टेस्ट आज हम लोग जो है पूरी यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर जो है हमारा पिटबुल इंडियन का वो समझ गया है और मेरे ख्याल से समझने में उसने काफ़ी ज़रा देर कर दी है क्योंकि रॉटविलर ने काफ़ी तगड़ी लीड दे दी है और गाइस जस्ट वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट राउंड में कौन विनर होगा, दो ही राउंड होने वाले हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं गाइस कि कौन यहाँ पर जो है विजेता कहलाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारा रॉटविलर पहुंच चुका है, पाकिस्तानी रॉटविलर जो कि यहाँ पर फर्स्ट आ चुका है, उसके बाद फिर दोस्तों पीछे से लीड कवर करते हुए इंडियन पिटबुल जो कि दोस्तों लेट समझा, लेट अडेप्ट किया उसने थोड़ा सा, तो गाइस वो जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से हार चुका है। अब देखेंगे इस स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, अब ये पिटबुल दोस्तों लास्ट में तेज भागा और इसने लास्ट में रिकवरी ले ली। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर से धक्का देंगे,
धक्का देने पे दोस्तों इनका जो है बैलेंस बिगड़ेगा और जो ग्रिप बना लेगा वो जीत जाएगा। तो हम लोग दोबारा से इनको ऊपर लेके आ चुके हैं। फ्रैंकलिन ने सबसे पहले पाकिस्तानी रॉटवीलर को मारा और पाकिस्तानी रॉटवीलर आप लोग देख पा रहे हो गाइस, नीचे ही जाके उसने ग्रिप बना ली, यानी कि दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पंजे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। फिलहाल तो अभी इन दोनों पर फाइट नहीं हुई। सेकेंड ही बारी में दोस्तों यहाँ पर खून छिड़कते छिड़कते गाइस आप लोग देख पा रहे हो, जो हमारा पिटबुल है वो काफ़ी तगड़ी तरीके से नीचे गिर गया। ये भी नीचे गिरा लेकिन गाइस इसने फिर से ग्रिप बना ली और जहाँ पर दोस्तों हमारा जो पिटबुल है वो कैसे घिसटते 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 नीचे जा रहा है गाइस, और जाते जाते आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि उसका दोस्तों जो है बुरा हाल हो गया और वो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब नहीं इस राउंड में रह चुका रह सकता है। बाकी दोस्तों जो रॉटविलर है, जो कि पाकिस्तानी रॉटविलर है, उसको जल्दी से हम क्या करते हैं, धक्का मारने की कोशिश करते हैं। गाइस इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा दम है, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर फाइट होती है गाइस, आप लोग क्या चाहते हो गाइस कि अगर हम लोग कल इससे फ़ाइट कराएँ अपनी डोजो अर्जेंटिनोस, जो हमारा वाइट कलर का डॉग है बुल्ली, ठीक है, उससे दिखाते हैं, अगर दोस्तों जीतता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फिर से गाइस मैंने इसे धक्का दिया और उसने फिर से ग्रिप बना ली। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग है पाकिस्तानी भाई का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रॉटविलर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर से मैंने इसे धक्का मारा और ये फिर से दोस्तों ग्रिप बना के यहाँ पर बैठ गया है। तो गाइस फाइनली आप लोगों को विनर पता लग गया है कि हमारा पाकिस्तानी रॉटविलर जो है वो जीत चुका है और इस बार दोस्तों हमारा जो पिटबुल है वो हार गया है, ठीक है। बैड लक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इन दोनों के बीच में फाइट होने, हमारे डोजो अर्जेंटिनोस जो रियल विनर है हमारे इंडिया का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।